तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके नीचे की रबड़ लगा लेंगे कंप्रेशर की। जब हम कंप्रेशर को फिट करेंगे तो सबसे पहले आपको चारों रबड़ फिट करनी पड़ेंगी इसकी। चारों दोस्तों रबड़ फिट करने के बाद अभी हम सिंपली इसको बॉडी में इंस्टॉल करेंगे। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों सिंपली आपको ऐसे मोटर इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद जो इसकी पत्तियां लगी होती हैं पहले की जो कंपनी फिटेड, वो आपको लगा करके पत्ती को बैंड कर देना। तो दोस्तों अभी हम इसका ड्रायर फिल्टर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसकी जो पाइप होती है ठीक है, तो उसको अच्छे से साफ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, तभी हमारा फिल्टर लगेगा। क्योंकि आपको पता है जो हमारे जो ये जाल बना होता है इसकी जो पाइप होती है काफ़ी हार्ड होती है और ये लोहे की होती है, इस पर टाका लगाना कॉपर का बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेंगे हम इसे ठीक है। तो इसे क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर जा कर के हम इस पर फिल्टर वेल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली पाइप लगाएंगे ठीक है, जो हमारे कंप्रेसर की डिस्चार्ज होती है, जो हमारे कंप्रेसर की डिस्चार्ज होती है, जिससे कि हम इस जाल को फ्लश कर सकेंगे, इसके अंदर जो भी कचरा होगा तो वो साफ हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम पाइप वेल्डिंग करेंगे जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है। तो देख लीजिए आप कैसे डिस्चार्ज पाइपलाइन को हम वेल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप वेल्डिंग करें तो सेफली तरीके से आप काम करें। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आप जब भी वेल्डिंग करें तो आप ओरिजिनल कॉपर की जेन्युइन वेल्डिंग राड ही यूज करें, जो कि गोदरेज टाइप में आती है, गोदरेज के ब्रांड में। तो दोस्तों वो वाली जो कॉपर की हमारी वेल्डिंग रॉड होती है बहुत ही अच्छी होती है और कम हीट के अंदर बढ़िया टांका लग जाता है, तो आप वही वेल्डिंग राड यूज करें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारा टाका लग चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से लगा है। तो दोस्तों देखिए हमारा टाका कितने अच्छे तरीके से लग चुका है, बिल्कुल बढ़िया। तो आप भी ऐसे ही लगाएं। अभी इसके बाद हम जो इससे हम गैस चार्जिंग करेंगे वहाँ पे हम एक पाइप वेल्डिंग करेंगे और उसमें अंदर एक कैपिलरी लगाएंगे, कैपिलरी से पाइप वेल्डिंग करेंगे। क्योंकि हमारे पास दोस्तों अभी पिन वाल नहीं है इमरजेंसी के में, तो अभी इस पर हम कैपिलरी वेल्डिंग करके गैस डालेंगे। तो ये NRB का टुकड़ा था हमारे पास, हमने वो लगाया है। NRB का टुकड़ा लगाने के बाद इस पर हम कैपिलरी वेल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोसीजर होता है हमारा इमरजेंसी के लिए होता है ठीक है। तो देख लीजिए कैसे वेल्डिंग करते हैं इसे हम। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे हम कंप्रेसर इंस्टॉल करने का और कंप्रेसर लगाने का। और दोस्तों आज आप इस वीडियो से छूट गए या फिर आप वीडियो बीच में स्किप कर दी, तो दोस्तों मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आप लोग कुछ सीख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो 100% आप सीख जाएंगे कंप्रेसर। तो दोस्तों अभी हम इस पर कैपिलरी वेल्डिंग करने वाले हैं, देख सकते हैं हमारे पास पिन वाल नहीं था, तो अभी हम कैपिलरी वेल्डिंग करेंगे और इसी से गैस डालेंगे। आप 90% पिन वाल का यूज कर सकते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, होता तो इसका भी अच्छा है, बट इसमें स्लोली गैस जाएगी, उसमें थोड़ा फास्टली गैस चली जाती है और लिक्विड के साथ जाती है।
अगर आप जब भी कैपिलरी वेल्डिंग करें तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, वरना आपको काफ़ी कमियों का सामना करना पड़ सकता है। तो टाके पे कुछ डाउट था तो उसे दोबारा गर्म करके लगा रहे हैं। तो डाउट अभी क्लियर हो गया इनका, क्योंकि ना डाउट था कि ठीक नहीं लगा है। तो दोस्तों, कंप्रेसर के अंदर जो हमारी डिस्चार्ज पाइप होती है, जहाँ पे हम जो फ्रीजर की वापसी पाइप जोड़ने से पहले हम कंप्रेसर को ऑन करके देखेंगे कि जो हमारा जाल है वो साफ़ है या नहीं है, उसमें कचरा है या नहीं, तो वो हम चीज़ फ्लैश करके चेक करेंगे। तो अब सबसे पहले हम मोटर को चलाएंगे, चेक करेंगे। तो देखिए, तो दोस्तों सिंपली हमारा कंप्रेसर चल चुका है, जो कि हमारे कंप्रेसर के एम्पीयर होने चाहिए 0.61 से 2 तक, 5 तक, वो नॉर्मली हमारे खाली कंप्रेसर के हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो जाल होता है फ्रिज का, इसे फ्लैश करेंगे। इसके अंदर जो हमारा तेल या कुछ भी लिक्विड हो सकता है, पानी वानी, तो इसे साफ़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फ्लैशिंग के टाइम ऐसा कचरा आता है जिसे हमें साफ़ करना होता है। अगर ये हम साफ़ नहीं करेंगे, फ्लैशिंग नहीं करेंगे, तो हमारी मोटर और फ्रीजर को दोनों का खतरा रहेगा। तो ये जो हमारा कचरा होता है इसे साफ़ करना होता है। तो इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद ही हम जो बाकी का प्रोसीजर रहेगा कैपिलरी का और फ्रीजर का, वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो इस स्टेप को देख लेते हैं, वीडियो के साथ बने रहे। तो इसे तब तक हम फ्लैश करेंगे जब तक हमारा बिल्कुल अच्छे से जाल है वो साफ़ नहीं हो जाता, क्योंकि जिसकी पुराने वाली मोटर थी उसके अंदर जो ऑयल होता है वो ख़राब चला जाता है, इसके अंदर ख़राब होने की वजह से। तो जब मोटर की वाइंडिंग बर्न हो जाती है, उसके अंदर जो भी हमारे स्लॉट के अंदर पेपर डले होते हैं वो जल जाते हैं, और जो उनका कचरा होता है वो लिक्विड के थ्रू पूरी पाइपों में चला जाता है। तो इसलिए हमें पूरा क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो क्लीनिंग प्रोसीजर जो हमारा रहेगा पूरा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आशा करता हूँ कि सभी दोस्त इस वीडियो से कम्प्लीटली फ्रिज में कंप्रेसर इंस्टॉल करना सीख जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। और दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, क्लीनिंग का प्रोसीजर पूरा कर लेते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्लीन होने के बाद। तो दोस्तों, अभी इसके अंदर जो कचरा था वो नहीं निकल रहा पूरा अच्छे तरीके से। तो अभी जो हमारा ये जाल है इसे हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो भी इसके अंदर लिक्विड होगा या फिर हमारा ऑयल होगा कंप्रेसर का, वो जल जाएगा और हमारा जो वो जल के सारा बाहर आ जाएगा। तो हम इसे हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली भाप बन जाएगा या फिर धुएं टाइप में बाहर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसे हीट कर सकते, तो ऐसे आप हीट कीजिए इसे। अगर आप ऐसे हीट करेंगे तो काम जल्दी होगा, अच्छा होगा। कई बार क्या होता है, पाइपों के अंदर मॉइस्चर चला जाता है, वो भी निकल जाएगा। तो ये एक कम्प्लीट स्टेप होता है जब हम एक नया कंप्रेसर इंस्टॉल करते हैं फ्रिज के अंदर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम फ्लैश करेंगे, अभी फ्लैश करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कैसा जो डस्ट थी है। प्रेशर होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद फास्टली करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ये ऑयल आ रहा है तो इसे साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, इसके बाद हम इसका फ़िल्टर जो होता है वो इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, फ़िल्टर इंस्टॉल करने का भी तरीका हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोहा प्लस कॉपर का टांका लगाया जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे कैपिलरी या पाइप लगा के सेल्फ वैक्यूम करवाते हैं, उससे दोस्तों क्या है, बट रिजल्ट अच्छा नहीं आता और वो अच्छा नहीं लगता। हमें भी आज तक काम करते हुए इतना टाइम है, बट हमने कभी सेल्फ वैक्यूम कम भी नहीं किया। हमारे पास वैक्यूम पंप है ये वाला, और हमारे पास काफ़ी कंपनियों के वैक्यूम पंप हैं,
वैल्यू का भी है, और ये वाला भी हमारे पास वैक्यूम पंप है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सैंपल का है और हमारे पास वैल्यू कंपनी का भी है। तो चलिए पहले हम फिल्टर का टागा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे टागा लगाने के लिए आपको फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे ज़्यादा लोहे की पाइप गर्म करनी पड़ेगी और कॉपर की कम। आपको यहाँ पे हीटिंग स्लो कर देनी है जब आपकी पाइप दोनों लाल हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि आप हीटिंग हाई रखेंगे तो आपका कॉपर नीचे गिर जाएगा पिघल कर। हमारा टाका अच्छे से लग चुका है, अभी से हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम कैपिलरी का लगाएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट गैस से लेकर के कंप्रेसर इंस्टॉल करना सिखाएंगे। कंप्लीट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई ऐसे कंप्लीट वीडियो बना के नहीं दिखाएगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों जब आप कैपिलरी लगाएं तो आपको फिल्टर से माप लेनी है। तो ठीक है, तो अभी हम कैपिलरी लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको फिल्टर ज़्यादा गर्म करना है और कैपिलरी कम गर्म करनी है। ठीक है, तो फिल्टर ज़्यादा गर्म करना होगा, कैपिलरी कम, क्योंकि अगर हम कैपिलरी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो कैपिलरी हमारी ब्लॉक हो जाएगी। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा फिल्टर गर्म करेंगे। तो देखिए ऐसे थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो सॉरी, क्योंकि तरीका तो हमारा यही होता है, क्योंकि कैमरे में जब हमारी ग्लो लैंप चलती है तो अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों डाउट था इस टाके पे, तो डाउट क्लियर हो चुका है। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये क्लियरली तरीके से लग चुका है। तो चलिए अभी हम जो हमारा कंप्रेशर चलाएंगे, पहले इस टाके को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम कंप्रेशर ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारे फ्रीजर के अंदर तो कोई कचरा नहीं है। अगर होगा तो उसे हम फ्लैश करेंगे, साफ़ करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि वैसे गैस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पानी से इसे ठंडा कर सकते हैं ऐसे। तो अभी हम कंप्रेशर चलाएंगे सिंपली। तो दोस्तों फटाक से जो हमारे चैनल पर नए जुड़ते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो हमारा कंप्रेशर रूम हो चुका है 6.9। तो दोस्तों देखिए अभी हम फ्लैश करेंगे फ्रीजर को। तो देखेंगे कैपिलरी लग चुकी है, फ्लैश करेंगे, क्लीन करेंगे कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि अगर हमारे फ्रीजर में भी लिक्विड गया होगा पुरानी मोटर का या तेल। तो अभी तक तो कुछ नहीं है फ्रीजर में, फ्रीजर क्लीन साफ है, अभी ड्राई है। तो थोड़ी देर और चेक कर लेते हैं हम। बिल्कुल सही है, डाउट इनका क्लियर हो चुका है। तो चलिए अभी हम टांका लगा लेते हैं जो हमारे फ्रीजर की रिटर्न है, उसका टांका लगा के बंद करके फिर हम वैक्यूम करते हैं डायरेक्टली और फिर गैस डालेंगे। तो चलिए वो भी टांका लगा लेते हैं। तो टांका लगाने का प्रोसीजर आपने देख लिया है। तो सिंपली दोस्तों ये जो टाका हम लगा रहे हैं, तो इसका लगाने का भी प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने नॉर्मली दूसरे वाले टाके लगाए थे। तो दोस्तों आप ज़्यादा हीट नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया है। अभी इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम वैक्यूम पे लगाएंगे जहाँ पे हमने कैपिलरी वेल्डिंग की थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम कपलर लगाएंगे, कपलर लगा करके इसे वैक्यूम करेंगे। जब हमारा वैक्यूम का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तभी हम गैस डालेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करना।
तो दोस्तों अभी हम इसमें कपलर लगाएंगे। कपलर आप लोग सोच रहे होंगे कि कैपिलरी के लिए जो कपलर आया था होगा वो अलग, नहीं दोस्तों, कैपिलरी के लिए कोई कपलर अलग से नहीं आता। इसके अंदर आपको जो हमारे नया कंप्रेशर जो आता है उसके साथ रबड़ आती है, वो वाली आपको इसमें डालनी होगी, तभी ये कैपिलरी के लिए काम करेगा। अदरवाइज ये बड़ी पाइप पे ही काम करेगा। ये सब जो टूल्स होते हैं वो अपने के लिए बनाने पड़ते हैं। तो अभी इसे हम वैक्यूम लगाएंगे वैक्यूम पंप से। सेल्फ वैक्यूम हम नहीं करेंगे इसे, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता और ना ही हम करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप वैक्यूम करें तो आपके पास गेज होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हमारे दोस्त हैं गेज का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली प्रेशर के लिए भी गेज का यूज नहीं करते हैं, बट दोस्तों वो अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, तो गेज का यूज कीजिए। तो चलिए अभी हम वैक्यूम कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपका ही फ़ायदा है इसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखेंगे। नहीं देखेंगे तो दोस्तों हमारा कुछ नहीं जाने वाला, तो फ़ायदा आपका ही होगा। तो हम वैक्यूम लगा लेते हैं। आपको यहाँ से वैक्यूम करना पड़ेगा और देख सकते हैं ये जो हमारी होती है यहाँ से वैक्यूम होता है और यहाँ से हमारा प्रेशर बाहर आता है। तो हमने लगा दिया है, अभी देखिए हमारा हम मीटर को ऑन करेंगे। तो अभी काफ़ी दोस्त सोचेंगे कि वैक्यूम का हमें पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ से एयर आना बंद हो जाएगी जहाँ से आपको धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। प्लस दूसरी बात, जो हमारा वैक्यूम पंप का भी आप साउंड सुन रहे हैं, जब वैक्यूम अच्छे से हो जाएगा तो इसका साउंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी तो साउंड चेंज होने का मैं आपको बताता हूँ कैसे साउंड चेंज है। जरा एक बार वो वाल बंद करना है, यहाँ से हम वहाँ से वाल बंद करते हैं। तो देखिए दोस्तों साउंड चेंज हो गया। तो वैक्यूम जब हो जाएगा तो ऐसे आपका साउंड चेंज हो जाएगा, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। वरना 8 से 10 हज़ार का माइक्रोन का गेज मीटर आता है दोस्तों, माइक्रोन गेज मीटर, आप वो भी रख सकते हैं। 8 से 10 हज़ार तक की रेंज से आ जाता है, 5 हज़ार तक की रेंज का भी होता है। बट जो लंबा टाइम से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए वैक्यूम कर लेते हैं। तो दोस्तों सिंपली हमारे वैक्यूम की आवाज़ चेंज हो चुकी है और वहाँ से भी वैक्यूम हो चुका है, बट हम थोड़ी देर और वैक्यूम करने वाले हैं। और यहाँ से एयर आनी भी बंद हो चुकी है, पहले एयर आ रही थी। तो अभी हम थोड़ा वैक्यूम और करेंगे थोड़ी देर। तो दोस्तों सिंपली हमारा वैक्यूम हो चुका है, प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम गैस डालने की बारी है, तो गैस डालने का सिस्टम स्टेप पूरा करते हैं हम। अभी हम सिलेंडर लगाएंगे गैस डालने के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर R134 नहीं डालेंगे हम, डालेंगे इसके अंदर हाइड्रोकार्बन। तो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, हमने आज तक हमने दोस्तों कभी R134 यूज नहीं की, और सिर्फ हम अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन ही यूज की है। तो हाइड्रोकार्बन का अच्छा रिजल्ट होता है। तो साथ में हम एम्पीयर मीटर भी लगाएंगे, एम्पीयर भी चेक करेंगे और साथ में हम गैस भी छोड़ेंगे। तो पहले हम गैस छोड़ लेते हैं थोड़ी सी। तो गैस छोड़ दी हमने। गैस छोड़ने के बाद कंप्रेशर को ऑन करेंगे, तो देख सकते हैं कंप्रेशर ऑन हो चुका है। 6.4 से स्टार्ट हुआ है। तो अभी देखते हैं हम, तो सिंपली अभी हम गैस छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों सिंपली अभी इसके अंदर हम गैस छोड़ेंगे। तो 6.4 से स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं आप एम्पीयर वहाँ पे, एम्पीयर मीटर में 6.4। तो जैसे जैसे हम दोस्तों जब भी आप गैस डालें एम्पीयर मीटर और गेज मीटर का ज़रूर यूज करें, अगर आपके पास दोनों में से एक चीज़ नहीं होगी तो काम करने में आपको ही तकलीफ़ होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं 6.7 के करीब चले गए एम्पीयर हमारे, 0.67। तो दोस्तों आप जब भी एम्पीयर मीटर यूज करें, छोटे वाला यूज करें जो कि 20 एम्पीयर से लेकर 10 एम्पीयर तक बताता हो फ्रिज के लिए, तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट रहेगा। अगर आप बड़े मीटर एम्पीयर यूज करेंगे तो एम्पीयर मीटर तो उन पर आपको क्लियरली एम्पीयर नहीं पता चल पाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़े एम्पीयर मीटर यूज करते हुए देखे हैं, तो वो डायरेक्टली 1-2 एम्पीयर बताते हैं।
तो मिली एम्पेयर में या फिर उससे कम एम्पेयर में नहीं बताता। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप छोटे वाले मीटर यूज करें, बेस्ट रहेगा। और ये वाला मीटर दोस्तों इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में भी काम आता है, उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो आप देखेंगे हमारे अम्पेयर जो हम स्टैंड करेंगे वो गेज मीटर के हिसाब से स्टैंड करेंगे। तो जब भी आप गैस डालें तो जो हमारा गेज मीटर है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको 8 या 9 पे छोड़नी होती है पौंड पे, ठीक है। तो देखिए हमने इसे 9 पौंड पे छोड़ा है और अम्पेयर आप वहाँ देख सकते हैं हमारे 6.6 अम्पेयर चल रहे हैं, 0.6। ये देखिए दोस्तों 0.67। तो इतने में ही ये हमारे हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, R134 नहीं, और इसमें ये रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।